छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी और प्रत्याशियों के कमिटमेंट को पूरा करने के निर्देश के साथ आगामी कार्य योजना तैयार हुई। भाजपा सांसदों और प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों की बैठक में शानदार जीत के लिए सबको बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाओं की यह तस्वीर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की बंपर जीत के बाद यह पहली बैठक थी जिसमें सभी नेता जुटे। सीएम विष्णुदेव साय से लेकर संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी एक साथ बैठे। बैठक में सबसे पहले सबको बधाई और नए सांसदों का स्वागत किया गया। सांसदों की पहली बैठक में ही संगठन की तरफ से आगामी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भाजपा के आला नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में जनता से किए वादों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही अपने अपने क्षेत्र के काम और समस्याओं को संसद में उठाकर उनका निराकरण कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। पूरे देश में चुनाव परिणाम आने के बाद और छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 लोकसभा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से वो प्रबंधन समिति की जो महत्वपूर्ण हमारे पदाधिकारी, हमारे जितने भी पूर्व विधायक, हमारे वर्तमान में जो सांसद जीत कर आए हैं, पूर्व सांसद सहित सभी हमारे पदाधिकारियों की आज प्रबंधन समिति के जो संयोजक आदरणीय शिवरतन शर्मा जी सहित सभी की बैठक आज संपन्न हुई है। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद हैं और उनके साथ बैठना हुआ, उनको भी बधाई और शुभकामनाएं, उनका अभिनंदन करने का काम भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में भाजपा बंपर जीत के बाद खासी उत्साहित है, सांसद भी गदगद हैं और बैठक के बाद आगामी कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। लेकिन बीजेपी की इस बैठक में कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। भाजपा सांसदों की आगामी कार्य योजना पर कांग्रेस ने कहा कि ना तो पुराने सांसद कुछ कर पाए थे, ना ही नए सांसद कुछ कर पाएंगे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता से वादा जो करती है उसको कभी पूरा नहीं करती है। इनके प्रत्याशी जब सांसद या विधायक का चुनाव जीत जाते हैं तो अपने वायदों को, अपने कमिटमेंट को भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार 9 सांसद थे, किसी भी सांसद ने छत्तीसगढ़ के हक की आवाज नहीं उठाई थी। आवाज सांसदों की बैठक में, नए जीते हुए प्रत्याशियों की बैठक में भारतीय जनता पार्टी उनको अपने कमिटमेंट को जल्दी पूरा करने की बात कर रही है, हास्यास्पद है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 11 में से 10 सीटें जीती हैं। वहीं अब तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार बनने जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ का योगदान अहम है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में राज्य के हित में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकेंगे, साथ ही यह भाजपा सांसदों की परीक्षा भी होगी। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।